पंचमी की बहुत सारी बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। पहले तो गांव में ना कान जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनसे छिदवाते थे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ पूनम और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है धुनेमेस व्लॉग। और एक खूबसूरत से दिन का आगाज़ हो चुका है मेरी चाय के साथ, तो मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं अपने डेली के काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर सबसे पहले जब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। क्लीनिंग में मैं सबसे पहले जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह मैं सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सभी सो रखे होते हैं तो बाकी काम तो अभी हो नहीं सकते। और क्लीनिंग का काम तो सबके उठने से पहले ही हो जाए तो बेहतर रहता है। यहाँ पे किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैं उनको क्लीन कर देती हूँ, और पोछा वगैरह की बाल्टी पोछा वगैरह सब धो करके रख देती हूँ। और सुबह सुबह ना हमारे घर के बरामदे में ही धूप आ जाती है बहुत अच्छे से। और ये दोनों भी यहाँ पर बैठ रखे। और आज तो बहुत अच्छी धूप है, लगभग 3-4 दिन के बाद आई होगी ऐसी अच्छी सी धूप। आज तो बहुत अच्छी धूप खिल रखी। और इधर मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं, फटाफट से सारे घर के काम एक साथ चल रहे हैं। सफाई का, बच्चे भी नहा लिए हैं, कपड़े भी घूम रहे हैं यहाँ पे। और बारिश के बाद आज बिल्कुल भी धुंध नहीं है और आसमान इतना साफ है, बिल्कुल सब जगह सब क्लीन दिख रहा है और इतना सुंदर लग रहा है। और मुझे ना जल्दी जल्दी फिर नीचे आना पड़ा। यहाँ पे शाश्वत ने एक फ्रूट वाले को रुकवा दिया था, उसने देखा फ्रूट वाला है और उसने खुद ही रोक दिया, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ओर से वसंत पंचमी की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। और आज वसंत पंचमी है, ये वीडियो तो कल जाएगा लेकिन। और बसंत पंचमी के दिन गांव में दरवाजों के ऊपर ना जौ की बालियां और गोबर में ऐसे लपेट करके ना उसको लगाया जाता है, ताकि शुभ रहे हमारा सब कुछ, हमारे शुभता के लिए किया जाता है ना ये काम। सब कुछ अच्छा अच्छा हो आने वाला टाइम हमारे लिए, क्योंकि आज से अब बसंत भी आने वाला है। आज से बसंत की शुरुआत हो गई है, बसंत का आगमन अब होने वाला है। जैसे आज जैसे ही उठते हैं ना, तो बिना कहते हैं कि बिना किसी का मुंह देखे हुए वो पीला जो चंदन होता है ना, उसका टीका लगाया जाता है सबको। तो हम भी लगाते थे छोटे में, जब हम छोटे थे तो सब है। आज इतनी अच्छी धूप है ना बाहर, मतलब लगभग 3 या 4 दिन के बाद शायद आज बहुत अच्छी धूप आई होगी। बाहर बहुत सुंदर लग रहा है, सच में लग रहा है कि बसंत आने वाला। और आज क्योंकि माता सरस्वती की पूजा की जाती है और कान भी आज ही छिदवाते हैं, बसंत पंचमी के दिन पर ही हमारे यहाँ पे गांव में कान भी छिदवाने का। आज तो बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, सब कान छिदवाते हैं। पहले तो गांव में ना कान जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनसे छिदवाते थे, हमने तो उन्हीं से छिदवाया था। लेकिन अब तो सब सुनारों के पास जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत अब तो बहुत आसान हो गया है हर सब कुछ। अब कान भी उतना नहीं पकते हैं, पहले तो सबके कान भी ऐसा पक जाते थे, अब तो हर दवाइयाँ वो देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, करते हैं छेद करते हैं, बच्चे को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। पर हम इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, तो इस बार हम नहीं करेंगे इस तरह से सेलिब्रेट वगैरह कुछ भी।
और हमारा तो ऐसे ही आज का दिन भी, क्योंकि कुछ भी नहीं किया, बस अपना जो डेली का होता है नाश्ता पानी बनाया, खाना पीना, बच्चों को नहलाया। आज क्योंकि छुट्टी है, आज तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कुछ भी नहीं है, बस वही सब किया आज, थोड़ा सफाई सुफाई की अच्छे से। आज तो जरा टॉयलेट वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन करे, क्योंकि आज हमारे पास आज टाइम था ना मेरे पास, वरना और दिन तो क्या हो जाता है कि बच्चे फिर घर को जरा सा डीप क्लीन कर दिया, क्योंकि कभी कभार ठीक रहता है ना, डीप क्लीन भी करना चाहिए। डेली क्लीनिंग तो रोज होती है, पर ये बंदर मेरे को चिढ़ा रहा उधर से, क्या खा रहा? नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं आज बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने 3 बैंगन ले लिए हैं, और मैं इसमें काट करके देख लेती हूँ कि कहीं अंदर से बैंगन खराब तो नहीं है या कुछ कीड़ा। और मैंने कट लगा करके पहला तो चेक कर लिया, वो तो साफ है, इस दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे वरना अगर कीड़ा वगैरह हो गया तो फिर सारा हमारा भरता खराब हो जाएगा। और मैंने कुकर में बैंगन अच्छे से धो करके रख दिए हैं। इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और उन पे 2 विसल लगा देती हूँ। हेलो, कैसे है? पानी चल हट तो सही दू। ये गुड्डा नहीं है, ये बॉक्स है। तो से 1 मिनट के लिए पढ़ाई नहीं हो सकती ना, थोड़ा बैठ करके। चल जल्दी पानी पी और जा। अब इस पे ढक्कन लगा दिया है मैंने, 2 सीटी आ जाएगी, फिर हमारे बैंगन तैयार हो जाएंगे, उबल जाएंगे मतलब। और ये मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें अनियन डाल देती हूँ। और मैंने प्योरी नहीं बनाई है, क्योंकि भरते में ना प्योरी उतनी अच्छी नहीं लगती है, जैसे हल्का हल्का अनियन अच्छा लगता है। और प्याज अब अच्छे से भून चुकी है, अब इसी पॉइंट पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। और मैंने टमाटर में पहले नमक डाल दिया है, फिर टमाटर गल जाएगा। जैसे नमक को डाल देते हैं ना पहले, तो थोड़ा सा वो गल जाता है फिर। और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है किसी की, तो मुझे अभी नहीं डालना है वो, मैं अभी सिंपल ही बनाऊंगी। और टमाटर अब गल चुका है, तो मैं उसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर देती हूँ, वही बेसिक मसाले जो होते हैं। थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और हल्दी डाल देती हूँ। ये मेरे डब्बे में खत्म हो गई है, चलो अभी के लिए हो जाएगा। थोड़ा हल्दी डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा ऐसे भून लेंगे, फिर थोड़ा सा मैं आधा कप, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, उसके फिर ये टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी ताकि मसाला पक जाए बस। और टमाटर हो गए हैं ये मेरे, बैंगन को अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ, हमारे मसाले के साथ। कलर तो बहुत अच्छा आया है ना मसालों का, कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
मसाला बैंगन के साथ अच्छे से मिल चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है। बस इसको 5 मिनट के लिए हम ढक लेंगे और भरता मेरा बन करके तैयार है। लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया था, जिससे उसकी महक और ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर, और खाने में भी टेस्टी लगता है। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बढ़ जाता है। और अब थोड़ा गार्निश करेंगे हम धनिया के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए भरते को। गुड बाय।